ट्रेन में तो सबने सफ़र किया होगा। अब एक ट्रेन जर्नी में बेसिकली क्या होता है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं और ट्रेन उस जर्नी में छोटे बड़े स्टॉप्स पर रुकती है जहाँ से और लोग हमारी जर्नी में शामिल होते हैं। वो सारे लोग हमारी जर्नी का हिस्सा ज़रूर होते हैं पर उनकी खुद की एक इंडिविजुअल जर्नी और एक डेस्टिनेशन होता है जो कभी कभी हमारे वाले से मैच करता है, कभी कभी नहीं करता। जिनकी डेस्टिनेशन अलग होती है वो हमारी जर्नी का पार्ट तो बनते हैं पर उन्हें उनका डेस्टिनेशन आने पर हमारा साथ छोड़कर जाना पड़ता है। हम उन्हें ये कहकर हंसी खुशी विदा कर देते हैं कि शायद फिर मिलेंगे, पर अंदर से हमें भी पता होता है कि शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। साथ ही जब कुछ लोग साथ छोड़कर जाते हैं तो कुछ नए लोग भी आते हैं और लंबा सफ़र हमारा अच्छे से कटे इसलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, पर वो भी टेम्पररी होता है। लास्ट तक जर्नी में साथ बस वही लोग देते हैं जो शुरू से आपके साथ होते हैं, कुछ केसेस में तो वो लोग भी नहीं दे पाते। फिर एक टाइम के बाद आपका भी डेस्टिनेशन आ जाता है और आप भी ट्रेन के उस कंपार्टमेंट को बाय कहकर निकल जाते हैं किसी नए सफ़र पे। और आपको पता है कि मैं सिर्फ ट्रेन जर्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। चीयर्स टू लाइफ।